हाय एवरीवन, वेलकम टू ओडिया गाइड चैनल। आई होप आपण माने परीक्षा पई भल भाबे तैयारी करूथिबे। आजरो क्लास रे आमे ईवीएस रो बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करबा, जोटा कि आपण को परीक्षा रे बहुत बहुत हेल्प करबो। प्रतिदिन क्वेश्चन आपण को परीक्षा पे इंपोर्टेंट। आपण कोन करबे जतेले क्लास नउ छंती, आपण माने खाता ओ पेन यूज करबे। जो क्वेश्चन आपण जानि छै ताकु लेखिया जरूरत नै, किंतु जो क्वेश्चन आपण जानि नहंती ताकु नोट डाउन करिवे खाता रे। जस्ट क्वेश्चन लिखिबे ता तोले आंसर लिखिकि जस्ट आंसर लिखि देबे, जोटा कि आपनकर परीक्षा पूर्व जे रिवीजन करिवे से समय आपनको हेल्प करिवो। बाय द वे आपनको पीडीएफ दिया जिवो। पीडीएफ पई आपन माने हमर जो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करनियंतु, सेठी क्लास रो लिंक आउ ता सहित इंपोर्टेंट पीडीएफ आपनको शेयर कर दिया जाउची बिल्कुल फ्री रे। प्रथम क्वेश्चन दिया जायछि, ए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डेवलप बाय बायोपैक कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया। माने गोटे बायोपैक कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया द्वारा गोटे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक डेवलप करा जाइछि, जहाँ ना हूँ कौन सेटा हूँ बायोपोल कहा जाए थे, ना हूँ बायोपोल। आपण मैंने जानते आमर जो प्लास्टिक एटा कौन होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जैक मटेरियल मिसी पारना, किंतु एमती गोटे प्लास्टिक बाहर करी बायोपैक कॉर्पोरेशन ऑस्ट्रेलिया, जोटा कि मटेरियल इजिले मिसी पार से ना हूँ बायोपोल। मोर के बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द रेसीडेल एंड कमर्सील वेस्ट मेनलि कनसीस्ट अफ, आमर जो आवासिक आणिज्यिक जो बर्ज्यवस्तु मुख्यतः को प्रकार रही था। फूड वेस्ट एटा तो हम ना, कहीं फूड वेस्टा फूडटा आपर मटेरियल मिसी जाऊँगी, कार्डबोर्ड ये मटेरियल मिसी जीव, कि जो पैकेजिंग मेटेरियाल अच्छी ये मटेरियल मिसी पारना, ये पलिथिन आसो पलि बैग आसपुर प्लास्टिक आसूपी, ये जो पैकेजिंग मेटेरियाल एटा कहुए रेसीडेल आउ कमर्सील वेस्ट बोली कहुए। लीड इन वाटर, जदि पानी रे सीसा मिसवा द्वारा कौन हो पारे, आईडीजे से पारे, तापर अच्छी एटी आर्थराइटिस हो पारे, तापर किडनी खराब हो पारे, किंबा आमर जो केश झड़ी पारे, किंतु एटा मन रखंतु आमर जो किडनी खराब हेबार बहुत चांस रहउछि। जदि पानी रे सीसा मिसिबो ताहाले कौन हबो, किडनी डैमेज होइथाय। तापर अछि कलरलेस ओडरलेस एंड नॉन कोरोसिव एयर पोल्यूटेंट, जोटा कि रंगहीन सहित गंधहीन एवं अणक्षयकारी वायु जो प्रदूषण को कौन कहता सल्फर डाइऑक्साइड, तापर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ओजोन, एटा होची बी ऑप्शन, जोटा कि रंगहीन होइथिबो गंधहीन होइथिबो आउ अणक्षयकारी मध्य होइथिबो। डिजीज एग्रेवेटेड बाय एयर पोल्यूशन, क्वेश्चन देछि वायु प्रदूषण द्वारा बढ़ुवा रोग कौन कहा जाए, तो वायु प्रदूषण हवा जो बढ़ुचरापर अच्छी रिमाटिजिम अच्छी ब्रोंकाइटिस अच्छी हेमोफिलिया कि मन रखु जो ब्रोंकाइटिस अच्छे ना ब्रोंकाइटिस एटा गोटे एमती रोग जोटा कि वायु प्रदूषण जो बारंबार बढ़ुचन अच्छी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पोल्यूशन कैन कॉज द आउटब्रेक ऑफ जॉन्डिस, मान निम्नलिखित मध्य क्यों प्रकार प्रदूषण जे कि जॉन्डिस रोग प्रकोप सृष्टि कर पाए, एयर तो भूल हम थर्मल भूल हम, कि वाटर जो रोच प्रदूषण होद्वारा आम जो जंडिस बहुत चान्स रोचे। ओजोन होल गोटे कौन होल इन द आटमोसफियर भूल अच्छी, डेस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर आम बी ऑप्शन को ठीक करूचे। ओजोन होल हूँ कौन, ओजोन स्तर जो नष्ट होजोन होल बोली कहुए। प्लम्बिंग इज द डिसऑर्डर डेवलप इन मेन व्हेन एक्सपोज टू, मैंने प्लम्बिंग गोटे एमती गोटे डिसऑर्डर ओके, जोटा कि कहा स्पन्सर्स आसने यहाँ मनुष्य पाखे विकसित होता है, जदि से लेड रे स्पन्सर्स आसो ताल कौन हम यो प्लम्बिंग भाया व्याधि रोग होता है। इ प्रोडक्ट नॉट रिलीज बाय एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल, एमती गोटे मानने जो पोषण जोटा कि ऑटोमोबाइल निष्कासन द्वारा होना, ये अच्छी एसओ टू, तापर अच्छे सीओ, तापर अच्छे फ्लायास आउ देखिए हाइड्रोकार्बन गैस, ये फ्लायास रही है ना, ये आम मानने ऑटोमोबाइल द्वारा ये जोटा कि पल्यूशन करूना। एसिड एंड कंटेन मान एसिड वर्षा कौन था, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तापर अच्छी आम ओजालिक एसिड आउ एसिडिक एसिड, रखे आम जो सल्फ्यूरिक एसिड रही था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड तो हम ना, तापर ओजालिक एसिड ये भी हम ना, एसिडिक एसिड ये मत हो बने, किंतु सल्फ्यूरिक एसिड जो था ये कौन था एसिड में रही था, मैं ये ऑप्शन में राइट कर छु। यदि आप माने सब तक वीडियो देखो चाहो छंती ईवीएस रो, हमरा सीडीपी रो, मैथ रो,
ओडियार आउ इंग्लीश रो आपण माने जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ प्रतिदिन क्लास पर जाउ छी आपण माने बिल्कुल जॉइन करंतु आउ शब्द क्लास देखला माने ही आपण शब्द क्वेश्चन हम परीक्षा पाई पालिबे वीडियो डिस्क्रिप्शन शब्द को प्लेयर से दिया जाय छै ला आपण गोटे गोटे के शब्द देखंतु आपण को बहुत हेल्प करिवो हम कहू छी आपण को आउ लाइक करके मथि आपण माने वीडियो को लाइक कर दियंतु मथि एन एग्जांपल हम नेचुरल प्रोटान ओटा को नेचुरल प्रोटान कहा जाय थे फॉरेस्ट फायर ये तो नेचुरल हो पार नेचुरल ऑर्गेनिक डीके ये मध्य हो पार वोल्केनिक इरप्शन ये मध्य गोटे नेचुरल या को मनुष्य द्वारा करा जाऊनि ओके गोटे जंगल निया लगवा सहित प्राकृतिक जैविक क्षय होता सहित आग्नेय विस्फोरण एटा मेन आम गोटे गोटे प्राकृतिक प्रदूषण भी कह जाए मनुष्य या किसी कर सब तक हूँ प्राकृतिक एन एक्जामपल अफ नन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट जो कि अण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषण कह जा प्रथम तो आम जो नर्दमा ये तो पानी में मिसी मटी में मिसीज प्लास्टिक जो रोच प्लास्टिक ओके प्लास्टिक गोटे हूँ नन बायोडिग्रेडेबल कहुए आउ जो लिटर लिटर मान कौन या ओलिया कहुआ मिसी जाए वेजिटेबल वेस्ट ये मटी में मिसी जाए प्लास्टिक ये मटी में मिसीब ना बार्थ रेट इज कॉल्ड बार्थ रेट को कौन कह जन्म हार को ताकु कहा जाए थे नाटालीटी बोली कहा जाए थे मन रखु नाटालीटी कहा जाए थे आउ जो मूर्तिबण करमर जो मूर्तिबण कर मूर्ति हार को मोर्टालीटी कहा जाए थे मोर्टालीटी हूँ आम जन्म हार आउ मोर्टालीटी हूँ मृत्यु हार आउ जी आप परीक्षा भल या कर चाहते आपण मैंने ये बुक कि बुक आप फलो करते पेपर वन यहाँ पेपर टू पर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको दि जाए कि आपको परीक्षा में बहुत हेल्प करे बुक आगे आपको मिली आउ प्रति तीन चार दिन अपडेट कराऊँगी बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड कराऊपर परीक्षा हाबा जाए यह आपको अपडेट मिलूब जीत नुआ क्वेश्चन मिलला सब अपडेट होके वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी आपने जरूर या ट्राए करेंगे बिस्मय ओमेन इज कनेक्टेड टू बिस्मय ओमेन माने कौन जड़ित थे मेनली चिपको मोमेंट जड़ित थे चिपको मोमेंट ओके क्वेश्चन रहा आप चिपको मोमेंट के आपने कमेंट करेंगे है चिपको मोमेंट बहुत बहुत थोड़ा क्लास में कही आपर बीओडी इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ बीओडी कहीं मैंने कह रहा यूज करीओडी मेनली आम जो वाटर प्रदूषण रोचे ना जल प्रदूषण मापिया पाई ए जो बीओडी यूज करा जाय थे सी ऑप्शन को मैं राइट करू छे आउ बीओडी इज ए मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर जेटा कि वाटर जो ऑर्गेनिक मैटर रोचे ताकु मापिया पाई ए बीओडी को यूज करा जाय थे तबरे कोजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया माने जो रोचे मलेरिया रो की कारक जीव के बैक्टीरिया फंगस तार प्लास्मोडियम आउ देसी वायरस ये जो अच्छी मलेरिया रो जो रोचे पॉजिटिव ऑर्गेनिक से होची प्लास्मोडियम को आ जाए प्लास्मोडियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कोल निम्नलिखित मधरु केउटी कोयला पोली उत्पादन करा जाए नहीं कार्बन डाइऑक्साइड स्मोक आउ देची सल्फर डाइऑक्साइड आउ देची लीड ऑक्साइड ओके जतले आपन बर्निंग कोल होची माने कोयला बर्न होची से समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहरुची स्मोक बाहरुची ता सहित सल्फर डाइऑक्साइड मते बाहर थे किंतु लीड ऑक्साइड में ये निर्गत पाइबो नहीं डेथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऊपर हम कहि थिले अपन को जो मृत्यु हार हो ताकू कोन कह जाउ छी ताकू कह जेथे मोर्टालिटी बोली कह जाय मोर्टालिटी इयर मफ्स और कॉटन क्लॉथ्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पॉल्यूशन अप आपन माने देखि छंती जते बेले हमें पड़े जाई थाउ हटात बहुत सारा साउंड आसीला हमें कोन कर थाउ हमें कॉटन यूज कर थाउ कान रे दवा पई किबा हमें कोनसी इयर मफ मथे लगे थाउ काहे के लगे थाउ सेटा मेन हमर नॉइज पॉल्यूशन रु हम को निजो को प्रोटेक्ट कर जा पई बहुत साउंड जोर रो थे समय कौन कर कान में हाथ दे था ना कान में कौन मैं जो कपा दे था ना आम हेडफोन लगे नॉइज मैं पल्यूशन कहा जाए अच्छी एयर फुल फॉर्म कौन अच्छी कहुए एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कहुए कौ जगार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कौन कौ जगार जो परिवेश दूषित होनवायरमेंट जो नष्ट होने कौन कर ट्राक करपर क्वेश्चन अच्छी एल निनो कौन मैं रखुद यहाँ प्रशांत महासागर तैयारी आउ जलवायु चक्र जे कि विश्व पाणीपाग ढांचा को प्रभावित करें बुझेगा मेनली पेसिफिक ओशन देखा मिलता है आउ एटा गोटे कौन कहे क्लाइमेट साइकिल जे कि ग्लोबल वेदर पैटर्न को ये इंपैक्ट करें ये ऑप्शन को हमें राइट करूँ
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर्ट एटा को वर्ष इंट्रोड्यूस करा जाइतिला याकु 1986 मसे 1986 मसे जोटा कि याकु इंट्रोड्यूस करा जाइतिला। तापर क्वेश्चन अछि एग्जांपल फॉर ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर माने जोटा कि एको जैव अवक्षय योग्य पॉलीमर और उदाहरण कोटा एडे देछि पॉलीथिन तापर अछि पॉलीप्रोपिलीन तापर देछि पॉलीलैक्टिक एसिड आउ देछि पॉलिएस्टर मोर केबे ए जो पॉलीलैक्टिक एसिड ना याको गोटे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाय थाए पॉलीलैक्टिक एसिड एटा गोटे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाय थाए। एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन बॉडी टू रेडिएशन मे कॉज जदि विकिरण स्पंसर मानव शरीर संघर्ष आसे कौन हो पारे जदि आम रेडिएशन कौन होक्सपोज होते ह्यूमन बॉडी कौन हम पोलियो तो हमारे चांस नहीं। तापर देछि हमरो जो गैस्ट्रो एंडोराइटिस ये भी हमारे चांस नहीं हेमोफिलिया भी हमारे चांस नहीं किंतु ल्यूकोमिया ओके ल्यूकोमिया हमारे चांस रहउछ जदि हम रेडिएशन द्वारा ह्यूमन बॉडी एक्सपोज हबो ताले जेटा कि ल्यूकोमिया टाइप रोग होई पारे। इनक्रीज हार्ट बीट कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल एंड डिलेशन ऑफ पीपल आर सिम्पटम ऑफ माने जो हृदपिंड स्पंदन वृद्धि हबा तापर रक्त नली संकुचित हबा आउ रहला हमर जो पीपल सब कोन हबो कहले जोटा कि आमर प्रसार हम तार लक्ष्य कौन शब्द प्रदूषण थर्मल पल्यूशन तापर अच्छे आमर एयर पल्यूशन आउ देखिए न्यूक्लियर पल्यूशन यहाँ हूँ मेनली साउंड पल्यूशन थाए मैंने आम जो हार्ट बीटा अधिक इनक्रीज करपर आम रक्त नली जो संकुचित हो जो पीपिल अच्छे से डिलेसन हम मानते जोटा कि प्रसार हम ताकि कह जाए साउंड पल्यूशन कारण यहाँ होता है। इंडिया गवर्नमेंट पास्ट द एयर आक्ट इन ह्विच ईयर मानते जो इंडियन गवर्नमेंट एयर आक्ट माने आम एयर आक्ट कौच जोटा कि वायु अधिकार नियम जो आसी के आसाला यहाँ उन्नीस सौ एकाशी मसीह आसाला 1981। इनफेक्शन ऑफ एचआईवी इज यूजुअली डिटेक्टेड बाय ह्विच टेस्ट माने क्वेश्चन देखिए साधारणतः क्यों परीक्षा द्वारा एचआईवी संक्रमण चिन्हट कर एलिसा टेस्ट द्वारा आम एचआईवी माने इनफेक्शन जापर एलिसा टेस्ट। आईपीसीसी आईपीसीसी रो फुल फॉर्म कौन पचारी आम देखुचे इंटरनेशनल पेनल यहाँ भूल हम इंटरनेशनल पीस यहाँ ही भूल हम इंटरगवर्नमेंटल पेनल ऑन क्लाइमेट चेंज सी ऑप्शन हूँ इंटरगवर्नमेंटल पेनल ऑन क्लाइमेट चेंज सी ऑप्शन को हमें ठीक करूचे। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन सिटीज माने जो सहर गुड़िक वायु प्रदूषण सब बड़ उत्स कौटा मानते कौ माध्यम वायु अधिक मानते जोटा कि वायु प्रदूषण होता हूँ आमर ऑटोमोबाइल सहर को जो मैंने बेसी कौन गाड़ी मोटर चलुच्छी मानते बेस कारगला देखिए प्रति घरे गोटे दुटा कार रोचे सहर में गाँग गल कार रोना कितु जी आम जार को प्रति घरे दुईटा गोटे तीन टा कार रखुचार नर्मदा बचाओ आंदोलन यार जो लीडर किए थे नेता किए थे से होती मेधा पाटकर मेधा पाटकर जी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को नेतृत्व नहीं आप जानते नर्मदा नदी पर गोटे बड़ मानने डैम हबार आई मेधा पाटकर जी कि मानने नर्मदा बचाओ आंदोलन मुख्य होते मीनामाता डिजीज यहाँ क्या कारण रही था मीनामाता यहाँ देखिए मरकुरी पॉइजनिंग अच्छी लीड पॉइजनिंग देखिए आर्सेनिक पॉइजनिंग आउ देखिए कैडमियम पॉइजनिंग जदि आमर मरकुरी विषाक्त हो आम जी पारद विषाक्त होने कौन हम मीनामाता डिजीज होता है ये ऑप्शन को आम ठीक करूचे। मुल्ला पेरियार डैम यहाँ कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छे प्रथम तो मन रखु ये जो मुल्ला पेरियार डैम यहाँ केरल अच्छे केरल कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छे हूँ इडुकी मोर के इडुकी ना नेशनल मेरीटाइम डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड मान देखिए आमर भारतर जातीय सामुद्रिक दिवस केवन करप्रिल पाँच पी ऑप्शन को ऐड कर एप्रिल पाँच दिन जोटा कि भारतीय जातीय सामुद्रिक दिवस पालन करचुराल आर्थक्वेक आर कच बाय माने जो रोच प्राकृतिक भूमिकम्प डेक्स कारण रही था एटा मेनली आमर जो पृथ्वीर भूपृष्ठ रे होइथाय प्रायत नेचुरल आर्थक्वेक डीप सीस तापरे पिक माउंटेन्स आउ फॉरेस्ट मैंने आर्थ क्रस्ट ही होइथाय नेचुरल आर्थक्वेक। नोएच इज ह्यूज साउंड साउंड ऑफ व्हीकल्स अनडिजरेबल एंड अनवांटेड साउंड आउ साउंड ऑफ क्रैकर्स जोटा कि आम कौन छु अवांछित शब्द या कोई आम नोएच बोली कही था नॉर्मल गीत बाजुच्छे आम तो मानते नोएच कहानी
ଯେଉଁଟାକି ଅବାଞ୍ଛିତ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ ତାକୁ ହିଁ ନଏଜ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ଏବେ ଡିଜେ ତ ସବୁ ଆସୁଛି ଦେଖିଥିବେ ଭୋକେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି, ମାନେ ପାଖରେ ରହିପାରିବେନି, ମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 200-300 meter ପାଖରେ ମାନେ ରହିପାରିବେନି। ଆଉ ସେମିତି ବି ଯେଉଁ ଡିଜେ ସବୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ମାନେ ସରକାର ବି ଟିକେ ଦେଖିବା କଥା, ଏତେ ମାନେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ହଉ କିନ୍ତୁ କମ୍ ସାଉଣ୍ଡରେ ହେଲେ ଭଲ, ଓକେ। ଆଉ କେବେ ବି ଡିଜେ ପାଖକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ, ଆପଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାନ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ 3D ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବେ କେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡିଜେରୁ ପାଖାପାଖି ନହେଲେ ବି 200-300 meter ଆପଣ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଆସୁଛି ମାନେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କାନ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ। ତାପରେ ଅଛି ଆର୍ଥ ଡେ, ରହୁଛି ଆମର ପୃଥିବୀ ଦିବସ କେ ମନାଯାଉଛି, ଏଟା ହେଉଛି 1 April 22 ମନାଯାଇଥାଏ ପୃଥିବୀ ଦିବସ। ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟକହୋଲ୍ମ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ, ମାନେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ମାନବ ପରିବେଶ ଉପରେ, ଷ୍ଟକହୋଲ୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଏଟା ହେଇଥିଲା June 5, 1972, June 5, 1972 ରେ ହେଇଥିଲା ସି ଅପ୍ସନ୍। ଅନ୍ ଥାର୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ୟୁବରକ୍ୟୁଲୋସିସ୍, ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମର ଯେଉଁ 1/3 ମାନେ ପାଖାପାଖି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 1/3 କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ସେଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ 3 ଭାଗ କରିବା ସାରା ମାନେ ଆମର ପୃଥିବୀକୁ, ତାହେଲେ 1 ଭାଗ ସେଥିରୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ। ଅର୍ଗାନ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ନ୍ୟୁମୋନିଆ, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁମୋନିଆର ମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟା ନ୍ୟୁମୋନିଆ, ସେଟା ହେଉଛି ଆମ ଲଙ୍ଗସ୍ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ହେଇଥାଏ। ଓଜନ, ଓଜନ ମାନେ କ'ଣ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଜନିୟସ୍ ଫର୍ମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ୱିଥ୍ 3 atoms ଇନ୍ ମଲିକୁଲ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ 3 ଆଟମ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, O3, ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଓଜନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ ଅଙ୍ଗରେ ଥିବା 3 ପରମାଣୁ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷାକ୍ତ ରୂପକୁ ଆମେ ଓଜନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓଜନ ଇନ୍ ଲୋଅର୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ଯେ ତଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଓଜନର ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତାପରେ ଅଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଆଉ ପ୍ରଦୂଷକ ନୁହେଁ। ଓଜନ ଇନ୍ ଲୋଅର୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରୋଟନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ କହିଥାଉ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଓଜନ ଲେୟାର, ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଓଜନ ଲେୟାର ଏଟା କେତେରୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥ ସର୍ଫେସ୍ରୁ ପାଖାପାଖି 20-50 kilometers ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏ ଅପ୍ସନ୍ ଆମେ ରାଇଟ୍ କରୁଛେ। ଓଜନ ଲେୟାର ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟା ଅଫ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଜନ ଲେୟାର ଏଇଟା କେଉଁ ସ୍ଫିୟରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏଇଟା ମେନ୍ଲି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର ଯେଉଁ ରହିଛି ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ସେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟରରେ। ପଏଜନିୟସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କଚ୍ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଛି, ଆଉକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ଯାଉଥିବ। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହେଉଛି ମିଥାଇଲ୍ ଆଇସୋସାଇନେଟ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଓକେ, ମିଥାଇଲ୍ ଆଇସୋସାଇନେଟ୍। ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ୱାଟର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଅଫ୍, ମାନେ ପାଣିରେ ଇକ୍ୱାଲିର ଉପସ୍ଥିତି ଏହାର ସଂକେତ କ'ଣ ଦେଇପାରେ, ମାନେ ମଳ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତାପରେ ଅଛି ଲିଡ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍, ଭାଇରାଲ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍, ଆଉ ଦେଇଛି ମର୍କୁରି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍। ଯଦି ମାନେ ଇକ୍ୱାଲି ଅଛି ମନେକର ଯେଉଁ ଆମର ମାନେ ପାଣିରେ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କାହାର କୁହାଯାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଫେକାଲ୍ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ତାପରେ ଅଛି ଆମର ପରିବେଶ ଅବକ୍ଷୟ, ତାପରେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ସିକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଉପରେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ମାନେ ଯାଇକି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବ ବା ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ରହୁଛି, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁ। ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଏଇଟା ତ ହେଇପାରିବ, ତାପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ, କମ୍ପିଟେଟିଭ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ ଇଏ ଦରକାର କିଛି ନାହିଁ, ତାପରେ ଗୁଡ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଇଏ ବି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ। ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବଜାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଫ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ଦରକାର, ତାପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଗୁଡ୍ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ରେନ୍ ୱାଟର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ଇଜ୍ ଏ ମାଜର ମେଥଡ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟାକ୍ସ, ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଡ୍ୟାକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦ୍ଧତି। ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ, ୱାଟର କନଜରଭେସନ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କହିବା। ଯଦି ଆମେ ରେନ୍ ୱାଟର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଛାତ ଯୋଜନା ବି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଛାତ ଯୋଜନା ୱାଟର କନଜରଭେସନ ଜଡ଼ିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସ୍ମାଲୋନେଲୋସିସ୍, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ରୋଗ, ମାନେ
মানে রিলেটেড টু কনজাম্পশন অফ মানে কাহার কো জিনিস খাইলে তাহলে আপনার স্লামোলিসিস ভাল ডিজিজ হয়ে থাকে চিকেন এগস মটন ফিস যদি আপনার মানে অধিক মাত্রায় ফিস খাইবে তাহলে আপনার স্লামোলিসিস টাইপ ডিজিজ হয়ে পড়ে সয়েল পলুশন ইজ কজ বাই মানে যে সয়েল পলুশন হচ্ছে মৃত্তিকা পোষণ হচ্ছে কেউ কারণ হচ্ছে শিল্প বর্জ্যবস্তু তারপরে হচ্ছে আমার ডিটারজেন্ট তারপরে হচ্ছে কৃষি রসায়ন বিজ্ঞান আমি এগ্রোকেমিক্যাল কইপার ডিটারজেন্ট বিপার আউ ইন্ডস্ট্রিয়াল ওয়েস্ট বিপার সব কারণ কম হচ্ছে কে সয়েল পলুশন হচ্ছে হচ্ছে ডি অপশন সম পলুটাট কম্বাইন উইথ হিমোগ্লোবিন এন্ড ইম্পিড অক্সিজেন ট্রান্সপোর্ট সচ পলুটাট আর ডেক্স মানে কেতে পোষণ হিমোগ্লোবিন সহ মিশি অনুযান পরিবহন বাধা সৃষ্টি করে থাকে এভাবে প্রশ্ন হচ্ছে কোণ তাকে কুহাযাই থাকে সিও বা কার্বন মনোক্সাইড বলে কুহাযাই থাকে বুঝলে আউথরে প্রশ্ন বুঝবা কেতে পোষণ এমনি হচ্ছে যেটা কি হিমোগ্লোবিন সহ মিশিকি অম্লজান পরিবহনের বাধা সৃষ্টি করে থাকে সেটা হচ্ছে কার্বন মনোক্সাইড যোগ হয়ে থাকে স্প্রেইং অফ ডিডিটি টু কিল ইনসেক্ট কজ পলুশন অফ ডেক্স যে আমি ডিডিটি মারুছু ঘরে হ্যাঁ কীটপতঙ্গ পোষণ মাপিবা পাই যে ডিডিটি সিঞ্চন করা যাচ্ছে সে কাহাকু মেলি মানে কো কো জায়গায় মানে ইনসেক্ট মারি পারিব ইয়ার বি হই পারিব ওয়াটার বি হই পারিব আউ সয়ের মধ্যে হই পারিব এই অপশন কো আমি ট্রাই করুছে আ সুপার বক কোন সুপার হোয়াট ইজ সুপার বক এটা গুটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোয়া যাইতে সুপার বক ইজ এ ব্যাকটেরিয়া ओके तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द 3 आर प्रिंसिपल इन वेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व माने हमें जो 3 टा आर रही छि प्रिंसिपल रही छि वेस्ट मैनेजमेंट पाइन सेटा होछि गुटा होछि हमें रिड्यूस करिया प्रथमे कम करिबा तापर तक हमें चाहेले रिड्यूस करि पारिबा चाहेले हमें रिसाइकल करि पारिबा सेटा होछि 3 टा प्रिंसिपल रहछि हमरो वेस्ट मैनेजमेंट पाइन सेटा होछि बी ऑप्शन रिड्यूस रियूज रिसाइकल anthrax disease caused by ए जो रहछि anthrax disease का द्वारा होइ थाय एटा होछि bacillus anthraxis जोगु एटा होइ थाय ओके तापर अछि द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन माने ओजोन रो केमिकल स्ट्रक्चर कोन ताकु कह जाय थाय ओ3 बोली कह जाय तो ओ3 होछि ओजोन रो केमिकल स्ट्रक्चर तापर क्वेश्चन अछि द कंट्रोवर्शियल डैम अक्रॉस द रिवर नर्मदा माने जो नर्मदा नदी ऊपर जो कंट्रोवर्शियल डैम तैयारी करे ता ना कोन ताकु कह जाय सरदार सरोवर डैम बोली कह जाय थाय ओके आउ आज वीडियो रेति के थाउ हमें गोटे दिन हमें बहुत सारा क्वेश्चन कवर कले पिला माने तांकर माने इंटरेस्ट कमी जाउची आउ कोई मध्य क्वेश्चन लेके आसीबा आउ वीडियो को लाइक करके जीवा केमति लागिला सेशन आपन माने कमेंट करके जीवा हैला आपन माने वेरी नाइस किंबा खराब लागिला कोन लागिला आपन निश्चय कमेंट कर जादर हम जानि परबो इंप्रूव करबो ट्राई करबो वीडियो पे आपन को वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जीवा तास द बुक लिंक ईबुक लिंक मध्य वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जीवा आपन को बहुत बहुत हेल्प ताक आपन प्रैक्टिस कर पारिबे थैंक यू।